muerto! ¡Viva शिमला मंडी के बाद फिर गुस्से में प्रदर्शनकारी, पुलिस के लाठी चार से गुस्साए व्यापारी, बाजार बंद के आह्वान का दिखा जगह जगह असर, अवैध निर्माण के खिलाफ उग्र होता हिंदू संगठन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। शिमला के संजौली से उठी मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध की आग धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलती दिख रही है। भले ही शिमला और मंडी के अवैध निर्माण पर कोर्ट और मुस्लिम समुदाय के दखल के बाद मामला शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब इस विवाद के विरोध में स्वर शिमला और मंडी के अलावा कई जिलों में देखने को मिले हैं। सरकार और प्रशासन ने विभिन्न संगठनों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील जरूर की है, लेकिन फिर भी विरोध की ज्वाला हिंदू संगठनों में शांत होती नहीं दिख रही है। संजौली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लाठी चार्ज का आरोप लगाकर व्यापार मंडल ने बाजार को बंद करने का आह्वान किया था। अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। कई शहरों में बाजार बंद किए गए तो कई जिलों में व्यापार मंडल के साथ साथ हिंदू संगठन भी सड़क पर उतर कर आए। व्यापार मंडल ने पुलिस की लाठी चार्ज के विरोध में कुछ घंटे तक दुकानों और बाजार को पूरी तरह से बंद रखा और जमकर नारेबाजी की। मंडी जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ व्यापार मंडल ने 3 घंटे सुबह बाजार बंद रखा। मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश महेंद्र ने कहा कि जिला मंडी में प्रवासी लोगों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी विरोध में सभी व्यापारी भाइयों ने बाजार को बंद रखा। उन्होंने प्रशासन और स्थानीय लोगों से मांग की है कि जो भी आपकी दुकानों, किराए के कमरों और अन्य काम के लिए प्रवासी लोगों को रखते हैं, वे खुद भी इनका पंजीकरण करवाएं या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी जरूर दें। व्यापार मंडल का यह मकसद नहीं था, जो पूरे हिमाचल में सिनेरियो चला है, हुई मस्जिद है, वैध है, अवैध है, उसे हमारा लेने देना कोई। हमारा मेन मकसद था जो प्रवासी लोग हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो। आधार तो आजकल एक ऐसा हो गया फेस वाला, थोड़ा सा उसका सिनेरियो कम हो रहा है। उधर जिला कांगड़ा में देवभूमि हिमाचल के व्यापार मंडलों और हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद रहा, जिसका आंशिक तौर पर धर्मशाला में असर देखने को मिला है। कहीं बाजार बंद रहे तो कहीं बाजार खुले भी रहे। व्यापार मंडल धर्मशाला के अध्यक्ष मनीष लूथरा ने बताया कि वो चाहते हैं कि जो भी प्रवासी यहाँ कामकाज के लिए आए तो उनकी वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ समय से यहाँ प्रवासी लोगों के बहुत ज़्यादा आमद बढ़ गई है, जिससे भविष्य में अनहोनी का भी खतरा बताया जा रहा है। तो वहीं जगदीप सिंह ने कहा कि आज हर व्यापारी इस विरोध का समर्थन करता दिख रहा है। शिमला में मतलब विवाद हुआ है और उसके ऊपर जो हिंदू संगठनों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जो बर्बरता की है, उसके विरोध में किया गया है। हम चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए सभी को हक है। बट अगर प्रशासन उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगा और उनका दबाने की कोशिश करेगा तो वो गलत है। हम चाहते हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सभी लोगों की वेरिफिकेशन हो, उन सभी के जो आधार कार्ड हैं वो चेक हों। कई कितने लोग हमारे धर्मशाला में भी ऐसे लोग काफ़ी हैं जिनका कि कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जो शिमला में और मंडी में जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में हमने जो है व्यापार मंडल ने डिसाइड किया था कि हम आज 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है व्यापार बंद रखेंगे। पूरे प्रदेश के साथ पौंटा साहिब में हिंदू संगठनों का भारी रोष देखने को मिला। पौंटा साहिब में हिंदू संगठन ने सड़क पर उतर कर जमकर नारेबाजी की, जबकि यहाँ भी व्यापार मंडल ने बाजार को बंद रखा। यहाँ वाल्मीकि चौक से लेकर गीता भवन मंदिर तक आक्रोश रैली निकाली गई। इस बीच पौंटा साहिब से खबर आई कि कुछ एक मुस्लिम समुदाय की दुकान खुलने पर भी हंगामा हुआ है, लेकिन पुलिस टीम के मुस्तैद होने से मामले को आनन फानन में सुलझा लिया गया। तहसीलदार साहब को अपने ज्ञापन दे दिया और उनसे 7 दिन का समय मांगा है कि आने वाले 7 दिन के अंदर पौंटा में जितनी भी मस्जिदें हैं उनका वेरिफिकेशन, मस्जिद या जो भी अवैध भूमि में जो भी अतिक्रमण हो रखा है उन सबका वेरिफिकेशन करा के हमें बताएंगे। 7 दिन का समय मांगा है। हमारा चाहे आप हिमाचल ले लो, कुल्लू ले लो, मनाली ले लो, उससे आगे आप जहाँ मर्जी चले जाओ इनकी तादाद सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। उसमें हमको जो लोकल जो हमारी जनता है उसको क्या करना है कि उसको भी जागरूक होना है इनके प्रति कि कहाँ पे कौन है, कि उसकी जांच हम खुद से करें, पुलिस से ना करें, हम खुद से उसकी जांच करें। तो वहीं जहां एक और कुल्लू में मस्जिद विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन दिखा, तो दूसरी ओर शिमला के सुन्नी से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई।
कुल्लू में प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर अपना विरोध दर्ज करवाया, तो शिमला के सुन्नी में लोगों ने नारेबाजी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो मैं ये कहूंगा जी, हमारे जो एक पुराना हमारा मंदिर है 150 साल पुराना है, जो मस्जिद बनी है ये 200 मीटर के दायरे में से बाहर होनी चाहिए, ये 200 मीटर के दायरे में नहीं है। मैं इसी खिलाफ ये चाहता हूँ कि इसको भी बंद किया जाए, इसको भी इसके उतोड़ा जाए, क्योंकि मंदिर के 200 मीटर के खिलाफ मस्जिद नहीं बन सकती। देखते ही देखते ये प्रदर्शन और बाजार बंद करने का आह्वान कई जिलों में बढ़ता चला गया। अगर हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ देवभूमि संघर्ष समिति के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बाजार में भी व्यापारियों ने समर्थन किया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए आह्वान पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ मिलकर दुकानदारों ने गांधी चौक पर सामूहिक होकर हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा। हमीरपुर में इस मौके पर व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि शिमला में हुए लाठीचार्ज पर विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर व्यापार मंडल के द्वारा प्रशासन को भी बाहरी राज्य से आने वाले लोगों के बारे में शिकायत पत्र दिया गया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में उनकी बंद की कॉल थी, तो हमें भी 2 दिन पहले उनका मैसेज आता है कि भाई, मैं कहा भाई जो ये सारा प्रकरण चल रहा है, हम तो बड़े दिनों से इस मामले में एक्टिव होके काम कर रहे हैं, ये जो गली कूचे में बाहर के लोग आकर के अपना सामान बेच रहे हैं, इसकी शिकायत हमने एसपी महोदय को भी करी है, एक्साइज वालों को भी करी है, और कुछ लोगों को हमने पकड़ के नगर परिषद और पुलिस के हवाले भी किया है जो बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के अपना सामान बेच रहे हैं। उससे मुझे लगता है कि हमारे कंसर्न की बात तो उसमें ये है कि हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को इससे नुकसान होता है। प्रदेश के कई जिलों में बंद का असर देखने को मिला तो कई जिलों में असर देखने को नहीं मिला। कहीं व्यापार मंडल तो कहीं हिंदू संगठनों ने अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाया। हालांकि शिमला के संजौली में जिस जगह से ये विवाद शुरू हुआ, उस विवाद को खत्म करने के लिए खुद ही मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण गिराने की इजाजत कोर्ट से मांग ली है। उधर मंडी में आयुक्त कोर्ट ने अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दे दिया है। उधर सरकार और विपक्ष की ओर से भी अमन शांति की अपील ऐसे मामलों को लेकर की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब इस विरोध के बाद प्रदेश शांत हो जाएगा? देखने वाली बात यह भी होगी कि सरकार और प्रशासन किस तरह से व्यापार मंडल के साथ साथ अन्य संगठनों की मांगों को मानकर लागू करते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।